मौजूद है और यहाँ पे पंचमुखी शिव मंदिर है और यहाँ पे लाखों भक्त शिवरात्रि के दिन दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करते हैं तो देख सकते हैं हमारे बीच ये सारे भक्त हैं और सुबह से ये लाइन लगा हुआ है। देख सकते हैं कि पूरा गेट के बाहर तक लाइन लगा है और यहाँ के समिति के लोगों से भी हम बात करेंगे तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि लगातार व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लगातार देख सकते हैं कि भक्त यहाँ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे राजन शाह मौजूद है जो लंबे समय से इस मंदिर में इनकी सेवा रहती है। तो राजन जी बताया जाए कि कितने साल पुराना ये मंदिर है? 3-4 बरस पुराना है, 3-4 बरस पुराना ये मंदिर है। मैंने ये पलानी का था, उसके बाद ही बना है। आपके होश के पहले का है? होश के बहुत पहले का होगा। शिवरात्रि के दिन क्या खास व्यवस्था किया गया है? सीसीटीवी कैमरा लगा है, होटल मेला में सीसी कैमरा लगाया गया है, प्रशासन भी हमारा ओपी थाना फसिल थाना पूरे टोटल लगे हैं, लोग एकदम आराम से लोग जा रहा है, आराम से लोग निकल रहा है। सुबह से लाइन लगा है, कितना बजे सुबह से? 2 बजे भोर से लगा है। कितना लोग दर्शन कर लेते हैं हर साल? हर साल लाख लोग आ रहा है, 3 लाख से बेसी आ रहे हैं। पंचमुखी शिव मंदिर है जी, ये बिहार में 1 पीस है, पंचमुखी महादेव शिव मंदिर बिहार में। और एक है नेपाल में, दो है। तो राजन शाह पूर्व वार्ड पार्षद हैं इस महादेवा के और लंबे समय तक वार्ड पार्षद रहकर इस कैंपस का विकास किए हैं, तो कई तरह की चीजें इस कैंपस में इनके वार्ड पार्षद रहते हुए बना भी है। सामुदायिक भवन बना है, सामुदायिक भवन, रोड नाला घाट इन्हीं के नाम से टोटल हम लोग 3 लाख का काम करवाए हैं। अब इसका अंजाद नहीं है अभी, तो लगातार चलिए आप और शिव भक्त से हम आपको बात करवाते हैं। तो लगातार देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई है और बात करें तो महिलाओं की भी लाइन यहाँ पे लंबी लगी हुई है। लगातार यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि इधर हम दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा सा जगह बना नहीं सकते जी, तो लगातार देख सकते हैं कि इधर महिलाओं की भी लंबी कतार में लाइन लगी हुई है, खासकर कतारबंद लाइन में लंबे सुबह से ही यहाँ पे कतारबंद लोग हैं। कितने साल से दर्शन करने आते हैं? 10 सालों से रोज आते। कितना आस्था जुड़ा है? बहुत ही पुराना आस्था, बहुत ही जुड़ा हुआ है। बाबा बोले ना सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। चलिए भगवान बाबा कितना क्या कहेंगे, कितना पुराना मंदिर है, मंदिर है। तो देख सकते हैं कि लगातार कुछ महिलाओं से भी हम बात करना चाहेंगे, आप खुले चलेंगे और बात करेंगे तो अभी बहुत भीड़ है, बाहर निकलते हैं इधर फिर और भी बात करते हैं। देख सकते हैं कि लगातार ये जो शिव मंदिर है बताया जाता है कि कई सौ साल पुराना ये शिव मंदिर है, कई सौ साल। लगातार यहाँ पे हर साल रात्रि को लाखों मतलब कई लाख लोग यहाँ पे पूजा करने आ सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे शंकर पार्वती का बना हुआ है, लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। तो लगातार यहाँ से महिलाओं से हम बात भी करना चाहेंगे कि लगातार लोगों का आस्था जुड़ा है, लंबे समय से यहाँ पे लोग आते हैं। तो देख सकते हैं कि सुबह से ही ये लंबा लाइन गेट के बाहर तक लगा हुआ है और हम बात करना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे जो शिव भक्त हैं और आज शोभा यात्रा भी निकलने वाली है भोले शंकर की। तो हमारे साथ यहाँ पे देवेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, क्या मंदिर है ये तो मुझे नहीं पता, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए हैं, यहाँ कोई स्थापित नहीं किया। 500 साल पुराना मंदिर माना जाता है, माना जा सकता है, ये स्वयं विराजमान हुए हैं ऐसा मान्यता है। पहला शिव मंदिर है सिवान में, ये पंचमुखी शिव मंदिर है सिवान का। बिल्कुल पंचमुखी शिव मंदिर। देख सकते हैं कि माताएं इस यहाँ पे जो कुआं है वहाँ से जल उठाकर और सीधे मंदिर में भोले शंकर पर जलाभिषेक किया जाता है। तो लगातार आपको कुछ और लोग से भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या इसकी मान्यता है। यहाँ पे स्टोन क्राफ्ट है, बाम्बू क्राफ्ट है, मधुबनी पेंटिंग है जो मिथिला पेंटिंग हम बोलते हैं, और शंकर जी का पेंटिंग है, कुछ हाथों से बनाया हुआ है, हाथ से सीलिंग बनाया हुआ है, स्वर्ण पद का बनाया हुआ है, दिया बनाया हुआ है, पेन स्टैंड बनाया हुआ है। कला के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हो?
कला के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं इसको और आगे तक हम लोग बढ़ाएं और इसको हम लोग विकसित करें। किसके द्वारा स्टॉल लगाया गया है? ये आराध्य चित्रकला सर के द्वारा। किस संस्था से जुड़े? मैं आराध्य चित्रकला से जुड़ा हुआ हूँ और हम सभी आराध्य की फैमिली आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपने कला का प्रदर्शन करके। सामने बैठा कर पेंटिंग बना रहे हो? जी, और ये लाइव स्पॉट ड्राइंग कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हम 10 मिनट में बहुत कम से कम समय में किसी का भी लाइव तस्वीर हम बना सकते हैं। 10 मिनट में किसी का भी तस्वीर बना दोगे लाइव पेंटिंग? जी बिल्कुल, लाइव तस्वीर स्केचिंग के माध्यम से। जी, कहाँ से हो? मैं नया किला सिवान से ही हूँ और आराध्या चित्रकला। देख सकते हैं कि आराध्या चित्रकला का ये स्टूडेंट है। और क्या लगता है मैम, आपका लाइव पेंटिंग बन रहा है, बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कभी लाइव पेंटिंग बना है आपका? हाँ, मेरे सामने ये 2-3 बार बनाए हुए और आज फिर मौका मिल रहा है सामने बैठ के बनाने का। कैसा लग रहा हो कि कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा, अच्छा तो बहुत बन गया क्योंकि 2-3 बार बन चुका है। हाँ, और उसके बाद से ये हमेशा अच्छा ही बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं। आराध्या चित्रकला के सारे स्टूडेंट अच्छा ही बनाते हैं और अच्छा ही वर्क करते हैं। ये कला सबके पास नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल नहीं होता है, जो इसमें रुचि रखता है उसी के लिए होता है। चलिए, महादेवा शिव मंदिर में आई है, कितना आस्था जुड़ा है भगवान भोले बाबा से? एक्चुअली हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, कोई आइडिया नहीं था, ना ही हम देखे हुए थे। सर के अकॉर्डिंग आए हैं, जो भी है वो मतलब सर मंदिर में पहली बार आई हैं। आस्था तो मतलब अंदर से है कि मंदिर में पूरा घूमे। सिवान का ये पहला शिव मंदिर जो है पंचमुखी शिव मंदिर माना जाता है और कई 100 साल पुराना ये शिव मंदिर है। हाँ, ये सर हम लोग के बताए थे कि ये शिव मंदिर सबसे पुराना है, वो भी सिवान का सबसे पुराना है और यहाँ पे बहुत पहले से पूजा मतलब चलती आ रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होता है। और उसके बाद से उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे ये सब एग्जीबिशन या लाइव पेंटिंग करने पे हम लोग को बहुत उत्साह मिलेगा, वहाँ के लोग देखेंगे तो हमारे सिवान के बिहार के लोग देख के मतलब उत्साह जगेगा कि हाँ हम भी कुछ करें। अपना नाम बता दें? काजल कुमारी। तो देख सकते हैं कि लगातार लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही है और बताया जाता है कई 100 साल ये पुराना शिव मंदिर है। हमारे साथ नगर परिषद की हर हर महादेव महादेवा महादेवा जल ढालने। हाँ, पापा के साथ। बोलो एक बार भोले बाबा की जय। हर हर महादेव नाम करती हूँ और महाशिवरात्रि का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। हम लोग अभी महादेवा शिव मंदिर आए हुए हैं जो काफ़ी बहुत ही प्राचीन है और ये यहाँ पर सभी का आस्था बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये मंदिर पंचमुखी है जो अपने आप ही मतलब प्रकट हुए हैं ये भोले बाबा, और भोले बाबा को पूजा करने से सभी भंडार भर देते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन होता है। आस्था जुड़ा है इस मंदिर से, कितने लंबे समय से इस मंदिर में आप आती हैं? बहुत बहुत लंबे समय से आते हैं हम लोग पूजा करने सभी लोग, बहुत काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, सभी लोग आए हैं, अपने बच्चे बाल बच्चे सब परिवार साथ लेकर के आए हैं। अच्छा, नगर के उप सभापति हैं, क्या लगता है कुछ देख के होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नया कुछ बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्या लगता है? जी, आप नगर के उप सभापति हैं, लोगों से कि अब कुछ होना चाहिए? लोगों को मेरे साथ बहुत बहुत सारा विश्वास जुटा है, तभी तो हमको इस रूप में लाए हैं। मुझे क्या कुछ बनना चाहिए देख के, क्या लगा इसमें बदलाव होगा? क्या कुछ बनना चाहिए? मंदिर को बड़ा बनना चाहिए थोड़ा विशाल? जी जी, इसको सुंदर बनाना है, मंदिर को बढ़िया बनाना है। और धर्मशाला को भी बनाया जाए, कोई आए इसमें रहे? जी, धर्मशाला बनाया जाएगा जिससे शादी विवाह छठा पूजा ही हो, वो भी बनाया जाएगा। जी, जी मंदिर परिसर में बनाया जाएगा। हमारे साथ सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जय प्रकाश गुप्ता जी से ही बात करेंगे, क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता रही है? इस मंदिर में तो हम लोग पिछले वोट में बहुत विकास किए हैं, ये फेवर वो लोग देख रहे हैं, सामुदायिक भवन देख रहे हैं, पिछले वोट में विकास हुआ है। राजन शाह जब थे, राजन साहब 8% तो काम हुआ है इस मोहल्ले में, निश्चित हुआ है इस वार्ड में और इस मंदिर कैंपस में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। देख सकते हैं कि लगातार लोगों का आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। बात करें तो कई तरह के यहाँ पे कैंप भी लगाए हैं आदर चित्रकला के द्वारा, चाहे जो भी लोग हैं यहाँ पे बिकता है। लाइव पेंटिंग भी एक बच्चा यहाँ पे बना रहा है, आप देख सकते हैं कि सामने बैठा कर लाइव पेंटिंग भी बनाया जा रहा है और लंबा मैंने बताया जाता है कई 100 साल ये पुराना शिव मंदिर है।
है जो महादेवा में स्थित है और लोगों के आस्था इतना जुड़ा है कि सुबह से 2 बजे भोर से यहाँ पे लाखों लोग महादेवा शिव मंदिर है, ये पंचमुखी शिव मंदिर माना जाता है और कई सौ साल पुराना ये शिव मंदिर है और लोगों का आस्था इतना जुड़ा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों लोग इस मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। कुछ माताएं हैं, उनसे हम बात करें कितना आस्था जुड़ा है इस मंदिर से। बहुत पुराना ये मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है ये, बहुत सारे मनोकामना पूर्ण है, बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, देखे रहे हैं। कितने समय से आती है? बहुत 20 साल से आते हैं। आस्था जुड़ा है, मनोकामना पूर्ण होता है, सब कुछ होता है। कहा जाता है कि ये अनोखा मतलब कहा जाए प्रसिद्ध है पंचमुखी शिव मंदिर माना जाता है इसको। यहाँ पांच मुखी शिव मंदिर है, सिवान में इकलौता ये मंदिर है। हाँ, ये इकलौता मंदिर है, यहाँ का शिव मंदिर है अपना, यहाँ का सब बहुत सारे आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ का लोगों से। पूरे परिवार के साथ आती है हमेशा? पूरा पूरा परिवार के साथ। कितना अच्छा मंदिर में आके अच्छा लगता है, सुकून मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से आती हो मम्मी के साथ? वो संभाली हूँ। 10 साल से मम्मी के साथ आती हूँ। हर शिवरात्रि को कि और दिन भी आती हो? नहीं, हर शिवरात्रि को, जी दिन में मतलब सावन में। कितना है भगवान भोले बाबा से आस्था जुड़ा है कि आप हर बार आती हैं या सिर्फ शिवरात्रि के दिन आती हैं? नहीं, जब भी मौका पड़ता है तब आते हैं। कितना आस्था जुड़ा है भोला भोले? बहुत। इंतजार रहता है कि कब शिवरात्रि आएगा, जल अभिषेक करेंगे? हाँ, इंतजार तो रहता ही है। कहाँ से आई हैं? मैं महादेवा। तो ये महादेवा के लोग थे, लोग का आस्था इतना जुड़ा है कि जब भी शिवरात्रि आता है तो लगता है कि शिवरात्रि आएगा तो मैं जाके भोले शंकर को जल अभिषेक। लोग तरफ से एकदम पूरा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, पूरा चौकसी बरती जा रही है। कितना बजे सुबह से आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग 3 बजे भोर से लगे हुए हैं। कितने लोग अभिषेक कर चुके होंगे? लाखों लोग लगभग, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कह पाना मुश्किल है। महादेवा ओपी थाना का हमेशा सहयोग रहता है महादेवा से? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। ये महादेवा ओपी थाना के एसआई जोगिंदर पासवान, तो लगातार ये 3 बजे सुबह से लोगों की सेवा के लिए मंदिर प्रांगण में लगे हुए हैं और लोगों के कतारबंद लाइन में लोगों का जल अभिषेक करा रहे हैं। देख सकते हैं हम। अभिषेक कर सकते हैं। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई देख, ये भक्त थे जो कतारबंद लाइन में धीरे धीरे जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं। पहले सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मेरी पहली बार आई हूँ शिव जी के दर्शन करने के लिए, वो भी महाशिवरात्रि के दिन, और पंचमुखी लिंग वहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे मैं उड़ीसा से हूँ और अभी मैं सिवान की बहू हूँ, तो पहला शिवरात्रि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। उड़ीसा की डीएम है, पहली बार ससुराल में आई है और महाशिवरात्रि के दिन इस प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन कर रही है, क्या कुछ कहेंगे सिवान वालों को, कैसा लग रहा है यहाँ आके ससुराल में? बहुत अच्छा लग रहा है, सिवान भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हम कल रात से ही तैयार थे कि सुबह जाके दर्शन करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पोस्टेड है? अभी मैं राउरकेला में पोस्टेड हूँ, जो कि उड़ीसा में है। सिवान के लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है ससुराल? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एक सप्ताह हुआ और भगवान भोले शंकर का दर्शन हुआ, क्या आशीर्वाद मांगी भगवान भोले शंकर के? सप्ताह दिन पहले आपकी शादी हुई है? हाँ, भोले बाबा को यही मांगी, जो सबके लिए अच्छा है बस वही हो। ये है और उड़ीसा में एसपी है और काफ़ी दिनों के बाद सिवान आए हैं, शादी हुई है, नई नई डीएम शाहिबा से शादी हुई है, कैसा लग रहा है यहाँ आके मंदिर में? सबसे पहले सभी सिवान वासियों को महाशिवरात्रि का हार्दिक अभिनंदन। जैसा मैं कहूँगा कि कभी भी मैं सिवान आया हूँ तो सिवान एक लाइवली शहर दिखा है, सिवान एक ओपन हार्ट से हम लोगों को वेलकम किया है, तो उसी प्रकार इस बार भी एक और खुशी की बात थी कि हमारे साथ मेरी वाइफ भी हैं और हम लोग महाशिवरात्रि में भोले बाबा का दर्शन कर रहे हैं, तो हमेशा से ही अच्छा रहा है और इस बार भी उसी उतना ही अच्छा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद सर सिवान में आए हैं और इस बार नए तरीके से आए हैं, जीवन संगी जो डीएम मैडम है उनको लेके आए हैं, तो कैसा माहौल रहा घर में और यहाँ कैसा सर लोगों? घर पर माहौल बहुत अच्छा है और इस बार मेरी एक पर्सपेक्टिव होती थी सिवान को देखने का, इस एक और मैं एक और इंसान के साथ आया हूँ अपनी वाइफ के साथ, तो एक और पर्सपेक्टिव के साथ सिवान की सुंदरता को देखने में एक अलग ही आनंद आ रहा है। धन्यवाद। डीएम बने, एसपी बने हुए हैं उड़ीसा
में वो अपने नियम करने हम लोग गौरव बड़ा सिवान के, अब इससे बड़ा कोई गौरव नहीं होगा कि हमारा भाई एगो उस जंक्शन पर गए तो हम लोग का सीना 10 किलो का हुआ, कि हम लोग का भी सम्मान मिला, हम लोग का बहुत हम लोग का हृदय जुड़ाया इस सिवान जिला के।